हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो होप करता हूँ आप सब सही होंगे। तो आज की वीडियो में बात कर रहे हैं गॉड ऑफ वॉर 5 के बारे में। तो जैसा कि सबको पता होगा कि गॉड ऑफ वॉर 5 आने वाला है और रैग्नारोक की शुरुआत हो चुकी है। तो हमें गॉड ऑफ वॉर 5 में कई सारे न्यू बॉसेस दिखने वाले हैं जो कि सच में बहुत पावरफुल होंगे। तो मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा कि कौन कौन से बॉसेस दिख सकते हैं हमें गॉड ऑफ वॉर 5 में, लेकिन यार उन बॉसेस को और पावरफुल बनाएंगे उनके वेपन्स। तो हाँ गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपकमिंग वेपन्स के बारे में जो कि हमें गॉड ऑफ वॉर 5 में दिख सकते हैं। और हाँ गाइस, ये लिस्ट ऑफिशियल नहीं है, ये लिस्ट मैंने अपनी ओपिनियन से बनाई हुई है। तो गाइस, इनमें से कुछ वेपन्स हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, और अगर इनमें से कुछ वेपन हुए तो शायद यार उनकी एबिलिटीज भी चेंज हो सकती है। यार ये सारी की सारी चीज़ें गेम डेवलपर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो उस वेपन को कैसे दिखाना चाहते हैं। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ओसम कंटेंट के लिए। तो अब बिना किसी देरी के चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला वेपन है वो है फ्रेया स्वॉर्ड। तो इस वेपन के दिखने के बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि ये स्वॉर्ड फ्रेया का है, और फ्रेया जरूर बदला लेना चाहेगी अपने बेटे बोल्डर का, क्योंकि आपको याद होगा कि क्रेटोस ने कितने खतरनाक तरीके से बोल्डर को मारा था, और उस टाइम आप देख सकते हैं कि फ्रेया कितने ज़्यादा गुस्से में थी, और बोल्डर के मरने के बाद से ही रैग्नारोक की शुरुआत हुई थी। वैसे यार इस स्वॉर्ड का नाम और कोई एबिलिटी पता नहीं चला है, लेकिन अगर ये वेपन हमें गॉड ऑफ वॉर 5 में दिखाई दिया तो सच में यार ये वेपन बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता हुआ कि फ्रेया क्वीन है वल्करी की, और ये कहीं सारे मैजिक्स भी जानती है, और इसके साथ साथ ये एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड मैन भी है। तो आप सोच सकते हो कि अगर फ्रेया इतनी पावरफुल है तो उसका वेपन कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। वैसे फ्रेया और भी कई सारे वेपन्स का यूज करती है, लेकिन जो उसका मेन वेपन है वो है उसका स्वॉर्ड। तो अब बढ़ते हैं अगले वेपन की तरफ, ट्वाइलाइट स्वॉर्ड। तो यार आप सोच रहे होंगे कि ये किसका वेपन है, तो मैं बता दूं कि इस वेपन का यूज सर्टर करता है, और इस वेपन को स्वॉर्ड ऑफ डूम के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि रैग्नारोक में सर्टर का बहुत अच्छा खासा हाथ होने वाला है। तो अगर बात करें ट्वाइलाइट स्वॉर्ड्स की, तो इस स्वॉर्ड को खुद सर्टर ने बनाया है खुद के लिए। तो ये स्वॉर्ड फायर बेस मैजिक कर सकता है, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है सर्टर एक फायर जायंट है, और इसके साथ साथ ये वेपन अपने साइज को चेंज भी कर सकता है अपने ओनर के हिसाब से, लेकिन जब इसकी पावर इसके ओनर पर डिपेंड होगी। मतलब कि अगर वो बंदा पावरफुल हुआ तो ये वेपन भी पावरफुल होगा, अगर वो बंदा पावरफुल नहीं हुआ तो ये वेपन भी पावरफुल नहीं होगा। और साइज से यार इस एबिलिटी को रखा जाए गॉड ऑफ वॉर 5 में, और अगर इस एबिलिटी को नहीं रखा जाएगा गॉड ऑफ वॉर 5 में, तो आप सोच रहे होंगे कि क्रेटोस सर्टर से क्यों लड़ाई करेगा। तो गाइज मैं बता दूं कि सर्टर एक ब्लैक स्मिथ है, तो साइज से क्रेटोस अपने वेपन को और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए जाए उसके पास, और यार वो वेपन होगा ब्लेड ऑफ कियोस। लेकिन यार कुछ भी को अगर ये वेपन हुआ तो सच में बहुत पावरफुल होगा। तो आप सोच सकते हो कि सर्टर कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता है। तो अब बढ़ते हैं अगले वेपन की तरफ जो कि है फोर्सिटीज एक्स। तो यार इस वेपन का दिखने का ये बहुत ज्यादा चांस है गॉड ऑफ वॉर 5 में, क्योंकि फोर्सिटी बेटा है बोल्डर का, और वो साइज से अपने बाप का बदला लेने आए, या फिर क्रेटोस उसके पास खुद जाएगा। लेकिन क्यों? तो यार मैं बता दूं कि जो फोर्सिटी का एक्स है वो पावरफुल मैजिक अटैक करने के कैपेबल है, और इसके साथ साथ यार इस एक्स की मदद से नॉर्थ माइथोलॉजी में कहीं सारे गेट्स को खोला जा सकता है और पजल्स को सॉल्व किया जा सकता है, और इसी रीजन की वजह से शायद क्रेटोस इस एक्स को लेने जाए, क्योंकि यार उसे इस एक्स की जरूरत पड़ेगी उस जर्नी में। तो गाइस अब बढ़ते हैं अगले वेपन की तरफ। तो यार ये वेपन कंफर्म है कि हमें जरूर दिखाई देगा गॉड ऑफ वॉर 5 में, और बहुत से बंदे पहचान गए होंगे कि मैं किस वेपन की बात कर रहा हूँ। हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ म्योनिर की, जिसका यूज थोर करता है, और सच में गाइज ये वेपन बहुत पावरफुल है, क्योंकि थोर म्योनिर की हेल्प से माउंटेन तक को तोड़ सकता है, और जैसा कि आप सबको पता होगा कि थोर म्योनिर की मदद से लाइटनिंग अटैक भी कर सकता है, और इसके लाइटनिंग अटैक कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं ये तो आप देख ही चुके होंगे एमसीयू की मूवीज में, और इसके साथ साथ म्योनिर थोर के पास वापस लौटने की एबिलिटी भी रखता है। लेकिन गाइज गॉड ऑफ वॉर का म्योनिर बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन होगा एमसीयू के कंपेयर में। तो आप सब सोच सकते हैं कि क्रेटोस और थोर की फाइट कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, और मेरे हिसाब से गॉड ऑफ वॉर फैन इस फाइट के लिए ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो यार कौन कौन इस फाइट के लिए एक्साइटेड है प्लीज यार कमेंट में जरूर बताना। तो अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल वेपन की जो कि है गंगनीर। तो यार इस वेपन को कौन नहीं जानता, इस वेपन का यूज ओडिन करते हैं, और सच में ये एसगार्ड के पावरफुल वेपन में से एक है। हालांकि ओडिन और भी कई सारे वेपन्स का यूज करते हैं, लेकिन उनका मेन वेपन गंगनीर है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ओडिन क्रेटोस से क्यों लड़ेंगे। तो यार उसका यही रीजन हो सकता है कि अगर क्रेटोस थोर को मार देता है तो शायद
ओडिन उसका बदला लेने आए, मतलब कि भाई सब बदला ही लेना चाहते हैं। तो अगर बात करें गंगनीर की, तो गंगनीर को आप एमसीयू में देख चुके होंगे कि वो कितना पावरफुल वेपन है और उसकी मदद से ओडिन ने कितनी सारी लड़ाई जीती है। और अगर ये वेपन सच में गॉड ऑफ वॉर 5 में हुआ ना, तो सच में क्रेटोस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी इस फाइट को जीतना। और क्या पता क्रेटोस इस फाइट में मर भी जाए, यार कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये वेपन हुआ तो सच में यार बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करने वाला था, लेकिन मैं आपको एक बोनस वेपन बताना चाहता हूँ, क्योंकि यार क्रेटोस के पास एक ऐसा वेपन तो होना ही चाहिए कि वो ओडिन और थोर जैसे कैरेक्टर से लड़ सके। और हाँ गाइस, ये सिर्फ हमारी थ्योरी है कि ये वेपन हो सकता है, और इस थ्योरी में मेरी मदद करी है फीवर ग्रास भाई ने। तो यार अच्छा हुआ कि आप इस वेपन के बारे में उनकी ही जुबान से सुने। तो भाई आप बोलना शुरू कर सकते हो। सो आई होप आशीष ने अब तक आपको बाकी वेपन्स के बारे में बता दिया होगा। और अब बात करते हैं एक ऐसे स्पेशल वेपन के बारे में जो नॉर्स माइथोलॉजी से बिलोंग भी नहीं करता है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लेड ऑफ ओलिम्पस की। जी हाँ, ब्लेड ऑफ ओलिम्पस भी आने वाले गॉड ऑफ वॉर में वापस आ सकता है। एंड आई होप तुम लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे कि ग्रीक माइथोलॉजी का वेपन नॉर्स में कैसे आ सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है ब्लेड ऑफ क्रेटोस के साथ गॉड ऑफ वॉर 3 में। जब क्रेटोस खुद को ब्लेड ऑफ ओलिम्पस से मार लेता है, तब एथीना उस ब्लेड को क्रेटोस से निकाल के वहीं पे फेंक के चली आती है। और फिर जब हमें नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है जिसमें क्रेटोस वहां से जा चुका रहता है, लेकिन ब्लेड ऑफ ओलिम्पस बिल्कुल वहीं पे सही सलामत रहता है। सो ऐसा पॉसिबल है कि ब्लेड ऑफ ओलिम्पस को क्रेटोस ने या फिर अथीना ने बाद में उठा लिया होगा। एंड ब्लेड ऑफ ओलिम्पस क्रेटोस का सबसे पावरफुल वेपन है, एंड गॉड फॉर रैग्नारोक में क्रेटोस को ऐसे ही पावरफुल वेपन की जरूरत है। सो ये बस एक थ्योरी है कि ब्लेड ऑफ ओलिम्पस भी आने वाले गॉड फॉर का पार्ट होगा। और अगर आपकी भी कोई अपनी थ्योरी है कि ब्लेड ऑफ ओलिम्पस कैसे आ सकता है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इस थ्योरी के अगेंस्ट भी हैं, तब भी कमेंट में बता सकते हैं, आशीष सबको रिप्लाई करेगा। सो मेरा काम यहाँ पे पूरा होता है, बाय बाय। एंड हाँ आशीष, इस वॉइस ओवर के पैसे जल्दी से भिजवा देना। ओ हाँ भाई, पैसे देना तो भूल ही गया, एक मिनट को निकल। तो गाइस होप करता हूँ कि आपको हमारी थ्योरी अच्छी लगी होगी, और ये भी होप करता हूँ कि आप इस थ्योरी को थ्योरी की तरह ही समझे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ऑसम कंटेंट के लिए, क्योंकि गाइस हम अपने चैनल पर गेम्स और सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक चैनल है गेमिंग विद फ्रॉगी, यार वो अपने चैनल पर मोंटाज डालता रहता है। तो अगर आपको मोंटाज देखने मजा आता है तो प्लीज यार उसके चैनल को चेकआउट कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो यार प्लीज उसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आप मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।